सेलेक्ट करेंगे, ऑटो सेलेक्टर स्विच में आएगा, यहाँ से 3 नंबर में डाल के 4 नंबर, ये ऑटो सेलेक्टर स्विच का ये जो है टर्मिनल का नंबर, ये टर्मिनल का कमांड नहीं दिया रहेगा, तो ये एनओ ही रहेगा, टू जब चल रहा होगा तो इसका कमांड नहीं मिलेगा। तो इन केस क्या होता है, वो ट्रिप हो जाता है, तो क्या होगा कि ये अगर 2 नंबर हमारा जो पंप है वो ट्रिप हो जाता है तो क्या होगा। 2 का एनसी का मतलब क्या है कि कंडक्टर 2 का एक एनसी पॉइंट लिया जा रहा है कि जब 2 बंद रहेगा तभी ये चलेगा। कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है एक 2 पंप यहाँ पे लगा हुआ है, तो उसका ये जो है कंट्रोल पैनल है। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि इसका जो है वायरिंग डायग्राम जो है कैसे है, मैं आप लोग को इसका वायरिंग डायग्राम बताऊँगा कि कैसे इसका जो है कनेक्शन हुआ है, मैं वायरिंग से आप लोग को समझाने वाला हूँ। तो इस पर जो है हम लोग देख लेंगे कौन कौन सा इस पर इक्विपमेंट है। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं पावर का इंडिकेशन है, 2 पंप है, तो 2 इसका रन का जो है इंडिकेशन है, 2 ट्रिप का है, और ये हैंड ऑटो ऑफ का जो है सेलेक्टर स्विच है। और यहाँ पे देखेंगे आप लोग तो 2 कंटेक्टर लगा हुआ है और 2 ओवरलोड रिले इसके साथ में लगा हुआ है ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए। और यहाँ पे एमसीबी है जो मेन इनकमिंग के लिए, आप लोग देख सकते हैं ये जो है कंट्रोलिंग का एमसीबी है। और यहाँ पे एक टाइमर लगा हुआ है कि दोनों में बारी बारी से जिस टाइम पर हम लोग जिसका जो है सेटिंग करेंगे वही पम्प जो है चलेगा। फिर यहाँ पर 2 ट्रिप के लिए रिले लगा हुआ है कि ट्रिप जो होता है उसका जो है हमारा स्टेटस मिले, और इंटरलॉक यहाँ पर कराया हुआ है ट्रिपिंग के लिए। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टीवी है जो बीएमएस में पूरा जा रहा है, और ये हमारा पावर का जो है यहाँ से मोटर में आउट हो रहा है। मैं आप लोग को इसका जो है वायरिंग डायग्राम जो है बता रहा हूँ, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बना रहे ताकि आप लोग को इसके बारे में पूरा फुल डिटेल से पता चल जाए। तो सबसे पहले जो है हम लोग इसमें क्या करेंगे, पावर का वायरिंग देख लेंगे। आप लोग देख सकते हैं पावर का वायरिंग डायग्राम यहाँ पे जो है दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इनकमिंग सप्लाई फ्रॉम 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज है, आप लोग देख सकते हैं। ये आप लोग देखेंगे एक न्यूट्रल भी है इसके साथ में। और यहाँ पे QM ये जो है 16 एम्पियर का 3 पोल MCB है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो सप्लाई जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो है ऐसे इसका ये जो है केबल का जो है टैग रहेगा। अगर आप लोग देखेंगे तो केबल में वहाँ पे टैग लगा हुआ रहेगा MCB के बाद और MCB के पहले। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है पूरा लूप किया हुआ है। तो 2 मोटर है इसमें, आप लोग देखें तो 2 मोटर के लिए यूज किया जा रहा है। तो रेड येलो ब्लू आप लोग देख सकते हैं, रेड येलो ब्लू है। तो ये जो है पावर का सेम डायरेक्ट अगर आप लोग देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो है यहाँ पे ये क्या है कंटेक्टर है। अगर आप लोग कहीं भी जाएंगे तो A1 A2 और ऐसे दिखा आप लोगों को दिखेगा तो ये जो होता है कंडक्टर होता है, इसका सिंबल से समझ में आ जाएगा। और ऐसा रहेगा तो ओवरलोड रिले रहेगा। सिंबल जो है बहुत ज़रूरी होता है, अगर आप लोग को सिंबल पता नहीं रहेगा तो आप लोग जो है कंट्रोलिंग में कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये सब कंडक्टर का MCB का और NONC का ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है सिंबल जो है टाइमर वगैरह का जानना, तो ये आप लोग ज़रूर जाने। तो सबसे पहले ये जो है कंडक्टर में आ रहा है और कंडक्टर में ही ओवरलोड रिले लगा रहता है, आप लोग को पता होगा। और फिर यहाँ से जो है आप लोग देखेंगे 1, 2, 3 फेज जो है सर्कुलेशन पंप 1 में जा रहा है, वैसे जो है दूसरा सेम जो है वैसे सेम इक्विपमेंट लगा के कंडक्टर ओवरलोड रिले और यहाँ पे TB के थ्रू 5-6 से सर्कुलेशन पंप में जा रहा है। ये सेम जो है सप्लाई आप लोग देख लीजिए। फिर यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे एक जो है न्यूट्रल यहाँ पर लिया जा रहा है और सिंगल पोल आप लोग देख सकते हैं QF1 एक जो है 10 एम्पियर का सिंगल पोल MCB है, उससे जो है आप लोग देखेंगे 2 कंट्रोल सप्लाई है, कंट्रोल को सप्लाई के लिए यानी कंट्रोलिंग के लिए एक जो है MCB यूज किया जा रहा है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया। हम लोग देखेंगे कि जो हमारा कंट्रोल का वायरिंग है उसको, तो कंट्रोलिंग अगर आप लोग देखेंगे तो सिंपल सा क्या हो रहा है कि जो आप लोग देखें MCB से जो सप्लाई आ रहा था वही सप्लाई जो है आप लोग देखेंगे यहाँ पे एक जो है पावर का इंडिकेशन यानी उसी सप्लाई में से MCB के बाद एक पावर का इंडिकेशन जो है पैनल में है उसमें दिया जा रहा है। तो वो जो है आप लोग को मैं ऑलरेडी दिखा दिया। तो इसमें एक न्यूट्रल और फेज डाला जा रहा है। फिर इसी सप्लाई से अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आगे जो है TM1 जो है ये जो है मैकेनिकल जो है टाइमर है, ये क्या है मैकेनिकल जो है एनालॉग टाइमर है कि हम लोग उसमें 2 पंप को किस टाइम पे कौन सा चलाना है, किस टाइम पे जो है कब चलाना है अल्टरनेट करके, कि एक जो है हम लोग एक टाइम में चलाएंगे दूसरा एक टाइम में चलाएंगे, तो उसके लिए जो है ये टाइमर यूज किया जा रहा है। हम लोग टाइम के शेड्यूल से टाइम उसमें डाल के मैकेनिकल टाइप का जो है और उसको ऑन कर रहे हैं, तो पंप को हम लोग ऑन कर रहे हैं। तो इसमें इसी सप्लाई से जो है इसको हम लोग ऑन कर देंगे और उसके बाद टाइम के शेड्यूल के हिसाब से वो जो है पंप को ऑन ऑफ करेगा। आगे हम लोग देखेंगे उसका कनेक्शन जो तो समझ में आएगा। यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे फिर इसी सप्लाई में से क्या हो रहा है यहाँ पे जा रहा है, तो कंट्रोलिंग जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आप लोग देखेंगे ड्राई रन प्रोटेक्शन यानी ये जो है हमारा जो टैंक लेवल होता है उसका लो लेवल एक फ्लोट स्विच डाल के
कि जो है हमारा टैंक का जो एक लिमिट से नीचे अगर पानी चल जाए, यानी लो लेवल हो जाए, ड्राई में ना चले, तो उसके लिए प्रोटेक्शन है। अगर टैंक में पानी नहीं रहेगा तो क्या होता है कि हमारा पंप बंद हो जाए, तो इसके लिए जो है ये एनसी यूज किया जाता है। जैसे जो है हमारा टैंक का लेवल लो होता है, एनओ हो जाता है, तो इसके लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक में डाल के सप्लाई और दो से निकाला जा रहा है। ये पूरा कंट्रोलिंग जो होता है हमारा फेज का सप्लाई होता है उसमें होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये फेज का सप्लाई जा रहा है, फिर यहाँ से आप लोग देखेंगे इसी में से ये जो है दो नंबर सप्लाई, आप लोग देखेंगे इसी में से जो है दोनों को आप कंट्रोलिंग में डिवाइड किया हुआ है। तो कंट्रोलिंग में अगर आप लोग देखेंगे तो पहला जो है आप लोग देख सकते हैं ये सेलेक्टर स्विच है, पहला सेलेक्टर स्विच, दूसरा सेलेक्टर स्विच। तो पहला सेलेक्टर स्विच में अगर आप लोग देखेंगे तो 1 2 इसका सेलेक्टर स्विच में ये हैंड साइड है और ये जो है ऑटो साइड है। तो हैंड के लिए सिंपल सा इसमें क्या हो रहा है कि दो नंबर सप्लाई दे के यहाँ पे आप लोग देखेंगे तीन नंबर निकाला जा रहा है। सेलेक्टर स्विच में हम लोग दो नंबर दे रहे हैं और तीन नंबर यहाँ से आउट हो रहा है। उसके बाद जो है ये सेम जो है प्रोसेस दोनों के लिए होगा, ये ऑटो के लिए, हैंड के लिए, दोनों के लिए होगा। ऑटो में क्या किया जा रहा है कि यही दो नंबर सप्लाई दे के अगर आप लोग देखेंगे तो टाइमर तो आप लोग देखें ये ऑन था और इसी टाइमर का क्या हो रहा है कि एनओ यूज किया जा रहा है, यानी ये टाइमर ऑन रहेगा। तो एक इसमें जो है टाइमर में क्या होता है कि जो हमारा टाइमर होता है उसमें एनओ एनसी और कॉमन रहता है और उसमें सप्लाई दिया जाता है ऑन ऑफ करने के लिए। जो टाइमर होता है उसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ, अगर आप लोगों को पता नहीं है मैकेनिकल टाइमर क्या होता है तो आप लोग जो है लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन, आप लोग क्या करें कि जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दे दूंगा, आप लोग उसको वीडियो को देख लीजिए ताकि आप लोग को इसके बारे में थोड़ा भी कन्फ्यूजन नहीं रहे। तो यहाँ पे दो पंप हो रहा है, तो एक एनओ यूज करके, इस टाइमर का एनओ यूज करके, यानी इसमें एनओ यूज करने का मतलब क्या है, जिस टाइम हम लोग टाइम सेट करेंगे उस टाइम ये एनसी हो जाएगा तो हमारा सप्लाई जो है आप लोग देखेंगे 6 नंबर निकल जाएगा। यहाँ 2 नंबर डाल रहे हैं टाइमर में और वहाँ से आउटपुट 6 नंबर हो जाएगा। 6 नंबर आउटपुट होने के बाद आप लोग देखेंगे यहाँ से जो है ऑटो में अगर हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ऑटो सेलेक्टर स्विच में आएगा यहाँ से 3 नंबर में डाल के 4 नंबर, ये ऑटो सेलेक्टर स्विच का ये जो है टर्मिनल का नंबर है, ये टर्मिनल का नंबर है। तो यहाँ से जो है 3 नंबर आउट होने के बाद ये जो है आप लोग देखेंगे यहाँ से 6 नंबर हम लोग डालेंगे यहाँ आउट होगा, तो ये 3 नंबर जो है आप लोग देख सकते हैं दोनों साइड में शॉर्ट है, यानी दोनों यहाँ पे लूप हो जाएगा। 3 नंबर यहाँ से दोनों के लिए एक होगा, सिर्फ जो है ऑटो के लिए, हैंड के लिए प्रोसेस जो है करने के बाद में यहाँ से सेम प्रोसेस हो जाएगा। यानी हमारा हैंड कब चलेगा, 2 नंबर सप्लाई दे देंगे टैंक जो हमारा लेवल है लो लेवल, अगर टैंक का लेवल लो नहीं रहेगा तो हैंड में हम लोग चालू कर सकते हैं और कुछ प्रोटेक्शन आगे जो है नहीं है, ओवरलोड वगैरह जो है और जो हमारा इंटरलॉकिंग है वो आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पर कब होगा चालू कि ये आप लोग देखेंगे कि टाइमर में आप लोग को मैं बताया कि जब कमांड देगा तो चालू हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे RT2 का मतलब क्या है कि ये एक जो है ट्रिप का रिले है, तो यहाँ पे 2 यूज किया जा रहा है और यहाँ पे 1, यानी ये 2 क्यों यूज किया जा रहा है कि ये रिले ट्रिप का होगा। तो जब हमारा पंप जो 2 ट्रिप हो जाएगा तो क्या होगा कि रिले ऑन हो जाएगा, रिले ऑन होगा तो इसका एनओ यूज किया जा रहा है। इसका एनओ क्यों यूज किया जा रहा है कि जब ये हमारा 2 जो पंप है ट्रिप हो जाएगा तो हमारा सप्लाई जो है ये 6 नंबर यहाँ पे आ जाएगा, यानी उस टाइम में हमारा टाइमर ऑफ भी रहेगा तो हमारा जो है यहाँ पे पंप चालू हो जाएगा। सिंपल सा क्या है कि मान लीजिए कि हमारा टाइमर 1 अभी 2 हमारा चल रहा है तो उस टाइम में टाइमर 1 ऑफ रहेगा, यानी टाइमर ये जो एनओ है ये क्या होगा उस टाइम में हमारा जो है टाइमर को कमांड नहीं दिया रहेगा तो ये एनओ ही रहेगा। 2 जब चल रहा होगा तो इसका कमांड नहीं मिलेगा, तो इन केस क्या होता है वो ट्रिप हो जाता है। तो क्या होगा कि ये अगर 2 नंबर हमारा जो पंप है वो ट्रिप हो जाता है तो क्या होगा, 1 का कमांड नहीं है तो हमारा पंप जो है कोई नहीं चलेगा। तो इसके लिए क्या हो रहा है कि जब 2 जो है हमारा ट्रिप हो जाए उस टाइम टाइमर का कमांड नहीं रहे तब भी जो है हमारा पंप दूसरा चालू हो जाए, इसके लिए जो है यहाँ पर इंटरलॉक किया हुआ है कि जब 2 ट्रिप हो जाए तो हमारा रिले ऑन हो जाए, रिले ऑन हो जाए तो ये सप्लाई यहाँ पर आ जाए। यानी यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे टाइमर, ये हमारा मैकेनिकल टाइमर में और रिले में दोनों में 2 नंबर सप्लाई दे के और दोनों से 6 नंबर आउट हो रहा है। ऑटो के लिए ये प्रोसेस है, हैंड के लिए हमारा ये प्रोसेस नहीं है। हैंड के लिए 2 नंबर डाल के 3 नंबर निकाला जा रहा है, उसका टाइमर से कोई मतलब नहीं है और दूसरा ट्रिप होगा तो भी मतलब नहीं है। अगर मान लीजिए हम लोग को 1 चलाना है हैंड में तो दूसरा ट्रिप है तो ऑटोमेटिक नहीं होगा, ये ऑटो के लिए प्रोसेस यूज हो रहा है कि 2 चल रहा है ट्रिप हो गया तो हमारा 1 चालू हो जाएगा। इसके लिए सिंपल सा ये प्रोसेस है। फिर अगर आगे आप लोग देखेंगे 6 नंबर आउट होकर सेलेक्टर स्विच में जा रहा है और 6 नंबर यहाँ से आउट होकर 3 नंबर में चला जा रहा है। तो ये जो है आप लोग को समझ में आ गया। आगे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ KM2 यानी NC लिया जा रहा है। तो ये NC क्यों लिया जा रहा है, ये जो है हम लोग को 1 कंटेक्टर को ऑन करना है लेकिन ये 2 का NC ले रहा है। इसका मतलब क्या है, कहीं भी अगर आप लोग जाते हैं तो इंटरलॉकिंग किया जाता है
कि मान लीजिए हम लोग को एक टाइम पे एक ही जो है पंप को चलाना है, तो इसीलिए क्या हो रहा है कि टू का एनसी लिया जा रहा है। यानी टू का एनसी का मतलब क्या है कि कंडक्टर टू का एक एनसी पॉइंट लिया जा रहा है कि जब टू बंद रहेगा तभी ये चलेगा, अगर टू चालू रहेगा तो ये क्या होगा एनो हो जाएगा। एनसी का मतलब क्या है कि टू अभी बंद है तो सप्लाई जाएगा, अगर ये चालू रहेगा तो ये एनो रहेगा तो सप्लाई नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हम लोग कमांड देंगे ऑटो में चाहे हैंड में, ये दोनों के बाद का है। तो ये अगर हमारा चालू रहेगा तो हम लोग यहाँ पे सेलेक्टर स्विच से या यहाँ पे ऑटो में डाले या मैनुअल में डाले, ये क्या होगा एनो रहेगा तो सप्लाई आगे नहीं जाएगा, तो यानी वन नंबर चालू नहीं होगा। इसके लिए ये हमारा यूज किया जा रहा है। फिर यहाँ से आप लोग देखें आगे जो है कहाँ जा रहा है, ओवरलोड रिले का एनसी में। तो ओवरलोड रिले जो है आप लोग को पता होगा क्या होता है कि जब उसमें जो है अगर हमारा पावर जो है ट्रिप हो जाता है तो क्या होता है उसमें एक एनओ एनसी रहता है, तो एनसी उसका यूज किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब ओवरलोड नॉर्मल रहेगा तो हमारा पावर सप्लाई जाएगा, अगर नॉर्मल नहीं रहेगा तो जो हमारा ओवरलोड लगाया ही जाता है कि ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए, कि अगर हमारा जो मोटर है ज़्यादा करंट ले रहा है तो हमारा पंप जो है नहीं चले। तो इसके लिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे ओवरलोड का एनसी में यूज करके निकाला जा रहा है कि ओवरलोड जब अगर ट्रिप नहीं रहता है तो पावर सप्लाई आगे जाएगा, जैसे ट्रिप होगा तो ये एनसी है तो एनओ हो जाएगा। तो यहाँ पे एक और प्रोटेक्शन हो गया कि ओवरलोड नहीं रहेगा तो हमारा चलेगा, अगर होगा तो नहीं चलेगा। फिर उसके बाद में है कंटेक्टर को ऑन किया जा रहा है। तो सिंपल सा अगर आप लोग देखें हैंड मैनुअल में, इसमें दो प्रोटेक्शन आप लोग को मिलेगा। पहला जो है ये कंटेक्टर का मिल रहा है, इंटरलॉक किया है, ये चलेगा तो पहला नहीं चलेगा। दूसरा जो है ओवरलोड के लिए लगा है, ओवरलोड अगर चलेगा रहेगा तो ये आगे सप्लाई नहीं जाएगा, ओवरलोड नहीं रहेगा तभी जो है जाएगा, तो ये कंटेक्टर पंप जो है ऑन हो जाएगा। तो ये हैंड के बाद का है, हैंड में ये जो है हैंड और ऑटो दोनों के लिए है, ये समझ में आ गया। और ये आप लोग को पता चल गया कि टाइमर से कैसे ऑन ऑफ हो रहा है। रिले जो है हमारा ट्रिप होगा तो टाइमर में कमांड नहीं रहेगा तभी चल जाएगा, और टाइमर जो है कमांड देगा तो हमारा ये चलेगा। तो पहला जो है पंप आप लोग को समझ में आ गया। दूसरा का अगर आप लोग देखेंगे तो थोड़ा सा इसमें जो है अगर आप लोग देख सकते हैं, इसमें जो है अगर आप लोग देखेंगे थोड़ा सा चेंज मिलेगा। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो ये हैंड के लिए सेम वैसे प्रोसेस है। हैंड यहाँ से हम लोग डाल रहे हैं सेलेक्टर स्विच में, यहाँ से 7 आउट हो रहा है, यहाँ 300 हो रहा था, यहाँ 7 से आउट हो जाएगा, सेलेक्टर में डालेंगे आउट हो जाएगा। उसके बाद सेम जैसे यहाँ प्रोसेस था इंटरलॉकिंग और ओवरलोड से, वहीं सेम यहाँ पे है। यहाँ पे टाइमर में अगर आप लोग देखें, यहाँ पे एनओ लिया था, यहाँ पे एनसी लिया था। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एनओ का मतलब क्या है कि जब हम लोग टाइम सेट करके रखेंगे ऑन पे तो ये ऑन होगा, इसमें क्या होगा कि ये ऑन पर रहेगा और ये जब ऑफ पर रहेगा तब चलेगा, यानी ये जब चलेगा उस टाइम में ये नहीं चलेगा। हम लोग जो मैकेनिकल टाइमर होता है एक्चुअली में वो हम लोग रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करते हैं, कहीं कहीं पे लाइटिंग को ऑन ऑफ करने के लिए यूज करते हैं। तो हम लोग एनओ एन स्विच जो है अपने से उसमें टर्मिनल रहता है, जो चाहिए वो हम लोग यूज कर लेते हैं और उसका जो है सेटिंग कर लेते हैं। हम लोग को एनओ करना है कि एनसी करना है, वहाँ से सेटिंग करना पड़ता है। तो वही जो है अगर ये हम लोग कुछ सेटिंग कर लेते हैं इसके लिए एनओ के लिए, तो दूसरा उस टाइम में जब एनओ में चालू रहेगा तो उस टाइम ये क्या होगा एनसी रहेगा। मान लीजिए एक एनओ एनसी है तो एक जब ये एनसी रहेगा तो ये एनओ होगा, जब ये एनओ रहेगा तो ये एनसी होगा, ऐसा होता है। तो ये एनसी हम लोग सेटिंग करेंगे उस टाइम में चालू होगा, तो एनसी इसका लिया जा रहा है। तो एनसी इसका लेके क्या हो रहा है कि 10 नंबर आउट हो रहा है। वैसे सेम जो है यहाँ पे टू का जो है हमारा क्या था इंटरलॉक था, यहाँ पे RT1 यानी रिले जो है वन जब ट्रिप हो जाएगा, यानी इस पंप में जब प्रॉब्लम हो जाएगा उस टाइम में ये जो है आप लोग देखेंगे 2 नंबर आके यहाँ से टाइमर कमांड नहीं देगा, फिर भी ये जो है जैसे ये ट्रिप होगा यहाँ से आ जाएगा, जैसे मैं उसमें बताया वही प्रोसेस है। फिर यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो 4 नंबर में आकर ये सेलेक्टर से ऑटो में जा रहा है, फिर 7 नंबर जो है दोनों लूप करके फिर KM1 में जा रहा है। यहाँ पर देखे कंडक्टर 2 में जो है हमारा NC से इंटरलॉक था और यहाँ 1 में, क्यों कि ये जब चालू रहेगा तब ये नहीं चलेगा, सेम वही प्रोसेस है। फिर आगे आप लोग देखेंगे इसका ओवरलोड का एनसी यूज किया जा रहा है कि इस ओवरलोड में प्रॉब्लम नहीं है, यानी मोटर ओवर जो है करंट नहीं ले रहा है तब जो है आगे सप्लाई जाएगा, अगर ओवर करंट ले रहा है तो सप्लाई नहीं जाएगा, तो हमारा यहाँ पे इंटरलॉक किया हुआ है। फिर आगे ये जो है सेम प्रोसेस से A1 में चला जा रहा है कंडक्टर 2 का, और ये जो है A1 को चालू कर दे रहा है। अगर वहीं जो है इसमें देखेंगे एक और ये जो है इसमें देखेंगे, तो ये दोनों क्या है कि दोनों जो है हमारा मोटर का रन का स्टेटस आप लोग देख सकते हैं, रन का स्टेटस क्या हो रहा है। A1 में जो हम लोग सप्लाई डाल रहे हैं वहीं से क्या कर रहे हैं, एक इंडिकेशन लैंप में डाल दे रहे हैं, एक न्यूट्रल डाल दे रहे हैं, तो हमारा रन का इंडिकेशन यहाँ से जल जाता है। फिर अगर आगे देखेंगे तो यहाँ से ओवरलोड का NO लेके क्या किया जा रहा है, ये जो है रिले को ट्रिप का रिले 1 को चालू कराया जा रहा है। यानी आप लोग यहाँ पर देखिए ये रिले कब ऑन होगा कि जब ट्रिप होगा तब भी,
जब हमारा ओवरलोड रिले जो होगा ट्रिप होगा तभी ये रिले ऑन होगा। तो इसके लिए क्या हो रहा है कि ओवरलोड रिले में क्या होता है, एनो पॉइंट रहता है, जैसे जो है ट्रिप होता है वो एनसी हो जाता है। तो वहीं जो है आप लोग देखेंगे 97-98 टर्मिनल है, वो 11 नंबर जो है आउट होके जो है कहाँ जा रहा है हमारा ये रिले को, RT1 यानी पहला का ट्रिप रिले है उसको ऑन करा रहा है। सिंपल सा है, इसमें हम लोग 2 नंबर सप्लाई डालेंगे, जैसे वो ट्रिप होगा अभी नॉर्मल जो है, अगर उसमें फॉल्ट नहीं रहेगा एनो रहेगा, जैसे उसमें ट्रिप होगा वो एनसी हो जाएगा, रिले यहाँ पर आके ऑन हो जाएगा। और इसी से क्या हो रहा है कि हम लोग एक जो है सप्लाई लेके ट्रिप का रिले का इंडिकेशन जो है हमारा जो इक्विपमेंट जो है लगा हुआ है पैनल में उसको ऑन कर रहे हैं, जैसे मैं आप लोग को ऑलरेडी बता दिया हूँ। फिर वैसे सेम आप लोग देखेंगे दूसरा का है, दूसरा पहला ये रिले है, दूसरा का ये है, तो दोनों का सेम प्रोसेस है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। फिर आगे जो है अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है BMS में भी गया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं BMS में इसका स्टेटस गया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें हैंड मोड स्टेटस, तो हैंड मोड के लिए सिंपल सा अगर आप लोग देखेंगे सेलेक्टर स्विच में हैंड साइड में हम लोग सेलेक्ट करेंगे और वहीं से जो है उसमें जो है क्या होता है आप लोग को पता होगा कि एक जो है सप्लाई दे देंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1 नंबर में 13 नंबर सप्लाई दिया हुआ है और 14 नंबर जो है जैसे हम लोग उसको क्या करेंगे हैंड में डालेंगे तो हैंड में टच होगा तो 14 नंबर निकल जाएगा, ये BMS में चला जाएगा। स्टेटस जो है क्या होता है कि हमारा BMS से एक वायर आएगा, जैसे हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे ये हमारा टच हो जाएगा, चला जाएगा, एनो एनसी होता है BMS में। फिर वैसे आप लोग ऑटोमेट के लिए क्या होगा, एक जो है 15 नंबर सप्लाई आएगा, एक हम लोग BMS से सप्लाई लेके आएंगे और वो जो है हमारा ऑटो में डालेंगे, ये जो है स्टेटस चला जाएगा फील्ड में। वैसे रन का स्टेटस के लिए आप लोग देख सकते हैं रन का स्टेटस क्या है कि ये TB है तो ये BMS से एक सप्लाई आएगा और ये जो है आप लोग देखेंगे KM1 ये कंटेक्टर का एनो लिया जा रहा है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 17 नंबर सप्लाई लेके आएंगे हम लोग और इसका एनो में डाल के एक जो है आप लोग देख सकते हैं 18 नंबर BMS पे चला जा रहा है, यानी इसका जो कंटेक्टर है उसका एनो लेंगे। तो जब से ये ऑन होगा तो क्या हो जाएगा, एनसी हो जाएगा, तो रन का स्टेटस मिल जाएगा। फिर ट्रिप का जो है आप लोग देख सकते हैं ट्रिप का 1 का, यानी ये पूरा पहला जो है हमारा उसका है, पहला जो हमारा मोटर है उसके लिए है, तो RT1 का एनो लिया जा रहा है आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें 11 नंबर 14 नंबर जो कंडक्टर, ये पूरा कंडक्टर का टर्मिनल का नंबर है, ये जितना भी आप लोग देखेंगे रिले का सेलेक्टर स्विच का ये टर्मिनल का नंबर है और ये जो है टैग है। तो यहाँ पे 19 नंबर दिया जा रहा है BMS से 11 नंबर में, फिर 14 नंबर में निकाला जा रहा है 20 नंबर, ये हमारा BMS में ट्रिप का स्टेटस चला जाएगा। तो रिले से जाएगा, एक कंडक्टर से चला गया रन का, रिले का जो है ट्रिप का चला गया, सेलेक्टर स्विच का ऑटो साइड में डाले तो ऑटो में चला गया, हैंड में डाले तो हैंड में चला गया, सिंपल सा है। फिर वैसे ये भी है दूसरा के लिए, तो सिंपल सा है इसका प्रोसेस है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को जो है ये ड्रॉइंग जो है समझ में आया होगा। अगर आप लोग को इसमें जो है कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो मैं इस पे ऑलरेडी जो है वीडियो बनाया हूँ पूरा पैनल के साथ, उसका जो फील्ड में इक्विपमेंट है उसके साथ बनाया हूँ वीडियो, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिए ताकि आप लोग को पूरा अगर डिटेल से जानकारी चाहिए तो उसको देखिए ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाए। अगर आप लोग को कहीं भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप लोग के पास टाइम पर पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।